जानना चाहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर आज तक कैसे बॉलीवुड बदल गया है और क्यों ऐसी बड़ी वजह है कि 30 साल 40 साल बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा ही सबको खामोश करते हैं। ये तो मैं कुछ हद तक ये कह सकता हूँ कि बॉलीवुड यानी सो कॉल्ड बॉलीवुड तथा कथित बॉलीवुड जिसे हम तो फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं या इंटरटेनमेंट बिजनेस कहते हैं जी। इसमें काफ़ी बदलाव तो हुआ है जी। और अगर इसकी बात करें तो अभी 2-3 साल जो कोरोना का महाकाल रहा उसकी वजह से भी स्टार पावर की कमर टूट गई और इस बीच में हमारे हिंदुस्तानी फिल्मों का बहुत नाम तो हुआ OTTs पे चाहे वेब सीरीज पे या ऐसे फिल्में भी कुछ आईं लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अपने तमिल तेलुगु लोग अच्छी फिल्म बनाकर अच्छा नाम किया और अच्छा काम किया। हमारी फिल्में अनफॉर्चुनेटली चूँकि मैंने कहा ज़्यादातर स्टार पावर टूट गई लोगों के सामने जो लार्जर द लाइफ इमेज दिखता था कलाकारों का वो कोरोना काल में बहुत उनका इमेज दब गया झुक गया। ऐसा लगा कि ये लोग भी इसी मिट्टी के हैं और ये लोग के अंदर भी कोरोना से लड़ने की शक्ति नहीं है कोरोना में साथ देने की शक्ति भी नहीं बहुतों में। इस वजह से सोशल मीडिया वगैरह का बहुत उन पर अटैक हुआ प्रहार हुआ उसकी वजह से उनके इमेज बहुत गिरी। फिल्मों की तमिल की फिल्मों की फिल्में तेलुगु फिल्में और साउथ की फिल्में उनका बहुत नाम हुआ बहुत अच्छा काम हुआ। साथ ही साथ ये भी है कि हम जैसे आदमी जो फिल्मों में आपने कहा कि अभी तक कैसे थोड़ा बहुत प्रभाव दिखता है जी शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि मैं एक ज़मीन से जुड़ा हुआ जैसे राजनीति में अगर पीपल्स लीडर कहते हैं या पीपल्स वर्कर कहते हैं या पीपल्स मैन कहते हैं तो फिल्मों में भी मैं पीपल्स एक्टर बन के सामने आया जी। यानी जीरो से हीरो की कहानी जी। मैं ओवरनाइट स्टार नहीं बना ओवरनाइट स्टार धीरे धीरे शनै शनै स्लोली बट श्योरली स्ट्रगल करता हुआ ऊपर आता हुआ अपने बलबूते पे वरना इसके पहले ना सिर्फ बिहार से हमारे अपने बिहार से